क्या 3 महीने के लिए रुक गई है जमीन सर्वे? जानिए क्या है राजस्व एवं भू सुधार मंत्री का बयान। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में जमीन सर्वे का काम 20 अगस्त से ही शुरू है, तब से लेकर अब तक इस दौरान कई तरह की चुनौतियां आई हैं और जमीन सर्वे के दौरान कई बदलाव भी किए गए हैं। अभी तक सरकार और विभाग सर्वे में आ रही परेशानियों को लगातार दूर करने की कोशिश कर रहा है। कई रैयतों को जमीन सर्वे के दौरान सबसे ज़्यादा परेशानी कागजात को लेकर आ रही है। अब इस परेशानी को देखते हुए एक बार फिर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा फरमान जारी किया है। आज हम आपको जमीन सर्वे से जुड़े इन्हीं अपडेट के बारे में बताएंगे, ताकि जब आपके क्षेत्र में जमीन सर्वे हो तब आप आराम से अपने जमीन का सर्वे करवा सके। फिलहाल जो अपडेट सामने आए हैं उसके मुताबिक प्रदेश में जमीन सर्वे के लिए समय को बढ़ा दिया गया है, ताकि रैयत या जमीन मालिक अपने जमीन के कागजात को तैयार कर ले। हालांकि जमीन सर्वे का काम रुकेगा नहीं, जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। इस मामले में राजस्व एवं भू सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी बातचीत के दौरान क्या कहा है, चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। दरअसल पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया कि जमीन सर्वे चल रहा है और लगातार सर्वे का काम चलता रहेगा। सर्वे का काम तब तक चलता रहेगा जब तक सर्वे पूरा ना हो जाए। उन्होंने बताया कि कुछ रैयतों को सर्वे में परेशानी हो रही है। ये वैसे रैयत हैं जिनके पास कागजात नहीं थे। ऐसे रैयतों को लेकर सभी विभागों से बातचीत की गई है और इनकी परेशानी को देखते हुए इन्हें 3 महीने का समय भी दिया गया है, जिससे वो आराम से बिना किसी परेशानी के अपने जमीन के कागजात समय पर उपलब्ध करवा लें। इस दौरान मंत्री दिलीप जायसवाल ने ये भी बताया कि जिनके पास कागजात हैं उनकी जमीन का सर्वे चलता रहेगा, क्योंकि 12 से 15% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास अभी कागजात उपलब्ध नहीं है, तो इन्हें सरकार द्वारा 3 महीने का समय दिया जा रहा है। कई लोगों द्वारा ये बात भी कही जा रही थी कि जमीन सर्वे का काम रुक गया है, लेकिन इस बात पर राजस्व एवं भू सुधार विभाग ने साफ किया कि जमीन सर्वे का काम ना रुका है और ना ही रुकेगा जब तक इस काम को पूरा ना कर लिया जाए। वहीं विपक्ष के विरोध को लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि आज़ादी के इतने साल बाद भी जमीन का डिजिटल ब्यौरा कंप्यूटर पर अपलोड नहीं है। उन्होंने अन्य राज्यों से तुलना करते हुए कहा कि बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जमीन का सर्वे किया जा चुका है। इन राज्यों में जमीन का ब्यौरा भी कंप्यूटर पर अपलोड हो चुका है, लेकिन इतने साल बाद भी बिहार में आज तक ये काम नहीं हो सका। जमीन सर्वे के मामले में विभाग ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। जमीन सर्वे का काम चल रहा है, केवल जिनके पास कागजात नहीं है केवल उन्हें ही 3 महीने का समय दिया गया है, क्योंकि कई दस्तावेज सालों पुराने हैं। कई दस्तावेज तो अंग्रेज के ज़माने के भी हैं। कई जमीनों का बंटवारा तो मौखिक तौर पर भी हुआ है, तो ऐसे लोगों को परेशानी हो रही है जिन्हें ये समय दिया गया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कि आपके क्षेत्र में भी जमीन सर्वे का काम चल रहा है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।